दोस्तों आज फिर निकल चुके हैं, एक जगह जा रहे हैं दोस्तों। वो हरियाणा के अंदर पड़ती है अपनी, मतलब कि गाड़ी वहाँ पे जो है ना मशीन होती है, थ्रेसर मशीन है हमारी अपनी, और वहाँ पर आज उसकी पहले ना चलकर सर्विस वर्विस करवाते हैं, और सर्विस वर्विस करवाने के बाद फिर निकलेंगे। एक घूमने की जगह है वहीं आसपास, और फिर वहाँ से करने के बाद फिर आते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको वीडियो में पूरा हाल, और वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। आ चुके हैं, 15-20 किलोमीटर दूर हैं, हरियाणा का बॉर्डर लगभग हम कूद चुके हैं, और रास्ते का हाल आपको दिखा रहे हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। मशीन जो है लगभग ड्राइवर लेके पहुंच चुका है, बंदे का फोन आया था अभी कि मैं वहां पे पहुंच चुका हूँ मिस्त्री के पास। आ गए हैं लगभग लगभग आधे रास्ते आ गए, आधा रास्ता और अभी दूरी बची हुई है, और बने रहे वीडियो के अंदर। ओहो, ओहो, गणेश बाबा आ गए हैं भाई बीच में। खैर मैंने कट मार दिया दोस्तों, घुमा दिया है भाई। ये जानवर बड़े ना अनजान बोलने वाले होते हैं दोस्तों, तो इनको खुद ही सोचकर मंदी कर लो गाड़ी, बचाओ जरूर इनको। अरे रे, अरे रे, रे, अरे बच गई भाई, गिलहरी आ गई थी दोस्तों। मैंने सोचा मगल यार दब गई, पर ब्रेक लेके गाड़ी मैंने बचा दी है दोस्तों। गिलहरी आ गई थी दोस्तों, दोस्तों 10 का साल का हुआ है। वैसे मैं अभी नजदीक ही आ रहे हैं दरअसल, यहाँ मुझे कोई गांव का, क्योंकि आज अननोन गांव से निकल के आ रहा हूँ मैं। दूसरे रास्ते से जो मेन रास्ते आते थे मैं उन रास्तों से नहीं आया, मैं एक अलग ही रास्ते से आया हूँ दोस्तों। दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिएगा बड़ी सुंदर गाय खड़ी है भाई, साहिवाल नस्ल की दोस्तों। आ गया हूँ लगभग मैं मशीन के पास ही आ गया हूँ, लगभग पहुंच चुका हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे भूख भी जोरदार लगी हुई है, और मशीन का सारा काम निपटा ना देख कर, और कुछ खाकर निकलूंगा। जस्ट पास में ही वहां जहाँ पे मशीन गई हुई है ना सर्विस वगैरह के लिए, तो वहाँ नजदीक ही एक मशहूर ब्रेड बनते हैं, तो वहाँ पर जो है बेसन वाला ब्रेड खा के आएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है, और वहाँ खा पी कर चलते हैं। फिर उसका दिखाते हैं आपको सारा वीडियो में हलवा का। दोस्तों आज आया था मशीन के पास, आया था दरअसल आज क्या ना आज सर्विस वगैरह करानी है, धान वान के सीजन होंगे ना अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन का लुक सारा कि कैसे कैसे पार्ट्स वगैरह होते हैं ना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये धान की मशीन है ना, जो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि जहाँ से नीचे ये वाला पोर्शन जो है नीचे हो जाएगा, और ये सारा धान वगैरह सब इसमें से जाते हैं अंदर से, आप देख रहे होंगे, इससे मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, इससे अंदर जाएगा सारा का सारा, और साथ के साथ में ये आपको ऊपर बैठने की यहाँ ड्राइविंग सीट होती है, और ये पट्टे वगैरह होते हैं इसके जो चलते हैं ना, बेल्टें होती हैं, जिससे बड़ी बड़ी बेल्टें होती हैं अंदर, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा बड़ी बड़ी बेल्टें हैं, और बहुत ही बड़ा है। और बात करें तो इसकी गरारी वगैरह की, बड़ी बड़ी टायर का अगर आकार देखेंगे तो दोस्तों टायर इसका बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों, देख सकते हैं। साइड का लुक करें तो उसका बहुत काफ़ी बड़ा भयंकर लुक होता है देखना, और बैठे से ये देखिएगा, और सर्विस वगैरह होगा ना अभी, ये कंप्लीट हो चुकी है वैसे, और ये देखिए तेल वगैरह ना अभी ज़्यादा तेल वगैरह भी डाला है सारा, वो अभी नीचे भी ऑयल वगैरह टपक रहा है, बहुत ही अच्छे से हुआ है सारा काम। और देखिएगा दोस्तों ये इसके बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं गिरी, मतलब कि थोड़ा ये चलने के लिए पाइप वगैरह होते हैं इसके अंदर, और सारी जो बेल्टें वगैरह से होते हैं, जो करंट होता है करंट का यहाँ से पावर मिलता है, इससे जो तार वगैरह दिए हो ऊपर इसके अंदर। इसके हॉर्न की बात करें तो हॉर्न ये हॉर्न इतने बड़े बड़े होते हैं जो बड़े बड़े ट्रकों में होते हैं। ये इसके टायर हो गया दोस्तों, और बात करें तो आपका सामने ये सारा सिस्टम, बैठने का म्यूजिक वगैरह का सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए म्यूजिक भी है, और ये रहा दोस्तों मैंने आपको टोटली सारी ये दिखा दी है, और इसकी ये वाली देखो ये मशीनें जो चलती है ना यहाँ से, ये चकलियाँ चलती हैं इसकी, और ये इसकी चेन है,
इसकी चेन है और ये वाली, इससे भूसा निकलता है और इससे यहाँ सारा का सारा इसमें से आके और बाहर भगा दिया जाता है धान सारा, पीछे इकट्ठा होता है इसमें। अगर इसमें ऊपर चढ़ने के लिए दी गई तो सीढ़ी दी गई है, इसीलिए है सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं। और मैं एक दूर से इसका लुक दिखाता हूँ आपको, फ्रंट का ये सारा देख सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ये देखिए यहाँ मैं सर्विस करवाई है अंदर, और यहाँ जो है ये आप ठीक है दोस्तों। मशीन पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, साथ ही साथ भूख लगी तो दोस्तों यहाँ ब्रेड खाने की व्यवस्था नहीं, तो ब्रेड बड़े काफ़ी अच्छे थे यहाँ। और मैंने देखे ना, ये देखिएगा ये रखे हैं ब्रेड और काफ़ी अच्छे लगे थे। जी ठीक है सर।